हम लोग बहुत ही दूर चले गए। अब हम लोगों को इस पहाड़ पर जाना है जहाँ से पूछना पड़ा, पर भगवान की कृपा से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। दोस्तों जंगल में पैदल चल रहे हैं, गाड़ी पीछे जा रही है ऊपर चलती हुई, असली एसयूवी टाटा की पहचान। अगर कोई दिक्कत आ जाए तो आप किसको कॉन्टेक्ट करेंगे ये पता नहीं, पर होपफुली यहाँ पर ज़रूर नेट होगा। ये भी अनोखी चीज़ है एकदम। तो फिर यहाँ पत्थर है और ये पेड़ निकला हुआ है इसके आर पार करके पत्थर। मैं अपनी जो गवर्नमेंट है हमारी एमपी गवर्नमेंट, उससे मैं छोटी सी अपील करूँगा, अगर उनका कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा हो तो, कि आप लोग अगर थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान दें तो यहाँ पर अगर एक रोड बन जाती है। जिस साहब है आप ओंकार सिंह जी, भगत जी, और यहाँ के जो है ये ट्रस्टी, यहाँ के अध्यक्ष है, मंदिर समिति वगैरह सब इनके उसमें दिशा निर्देश में चलता है, और ये कम से कम 25-30 सालों से यहीं पर निवास रहते हैं। अभी ऑलमोस्ट 3 घंटे के बाद वेट करने के बाद पानी हमें मिला है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग सुबह नीचे से आ रहे हैं, पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी, पानी वहाँ रास्ते पर था नहीं, तो हम लोग लगातार ऊपर चले आ रहे थे। बस यही उम्मीद में कि हम जल्दी पहुँचने वाले हैं, क्योंकि मैप काम कर नहीं रहा था यहाँ पर, नेविगेशन काम कर नहीं रहा था। भगवान की कृपा से हम लोग यहाँ पर आ गए, भोलेनाथ की कृपा से। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आपको और भी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और हमारे इस काम में, सनातन के काम में, आप सबको जुड़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप नहीं जुड़ेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को पूरी तरीके से फैला दें हर हिंदू तक, और देखिए कि कितना भगवान का चमत्कार होता है, कितने पहाड़ पे आके आपको इतनी सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरे शिलालेख और ये पूरे जो बने आर्टिफैक्ट बने हुए हैं, मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे और भी काम चल रहा है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, और भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बस बने रहिए। तो अंदर हम लोग आ चुके हैं, अब यहाँ पे और जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो हमारे साथ महंत जी हैं यहाँ पर मंदिर के, तो हमें महंत जी जय श्री राम, तो आप हमें थोड़ा जानकारी दे दीजिए यहाँ के बारे में, मतलब जानकारी मतलब अभी ये हम कहाँ पर खड़े हैं, कैसे यहाँ पर आना है। ये देवांचल धाम देवड़ा के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। अच्छा, ये राम मंदिर है आपके सामने। अच्छा, राम मंदिर है। तो दोस्तों ये प्रभु श्री राम का मंदिर है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं भगवान बैठे हुए हैं, ठोंक लगा लेते हैं। 2015 में स्थापना हुई। देखिए लाइट भी चल गई है, बहुत सुंदर लग रहा है। भगवान की मूर्ति है, ये देखिए प्रभु श्री राम यहाँ पर है, माता सीता यहाँ है, लक्ष्मण जी यहाँ है, और पूरा यहाँ पे मंदिर का गर्भगृह है यहाँ वाला, और हम यहाँ पे बाहर आ गए हैं, और ये पूरा नया हिस्सा बना हुआ है पूरा। और पंडित जी ये वाला हिस्सा गेट वगैरह भी बनवाया गया है। ये नया ही बना है, राम जी की स्थापना 2015 में हुई, और इसके 91 में न्यू दिल्ली थी। 91 में न्यू दिल्ली थी, हाँ, मतलब मैं जब उस टाइम पैदा हुआ था 91 में, तब न्यू दिल्ली थी यहाँ की। और यहाँ पर ये पूरा पहाड़ के ऊपर है ना वाली, और यहाँ पे और आप थोड़ा ये बताइए यहाँ की इनकी चीज़ों के बारे में। हाँ, चलिए चलते हैं देखते हैं। तो आप यहीं पर रह के पूरा देखभाल करते हैं मंदिर का, ध्यान रखते हैं। तो चलिए आगे की जानकारी आपको देते हैं वीडियो में। हाँ, मूर्ति ये बहुत पौराणिक मूर्ति है। हाँ, देखिए बहुत बारीकी से बनाई गई है मूर्तियाँ, और ये विष्णु जी की, भगवान विष्णु की 200 अवतार की मूर्तियाँ अंकित। हाँ, अलग अलग रूप है यहाँ पे, मच्छ है, कच्छ है, वराह है, नरसिंह है, बावन है, बावन छत्री, परशुराम है, राम है, ये गौतम बुद्ध है, ये कल्कि अवतार है, अवतार घोड़े जैसा दिख रहा है, और यहाँ पर हैं अपने पूरे रूप है यहाँ पर। हाँ, 200 अवतार की मूर्तियाँ, बराह ये माता की। हाँ, ये माता पार्वती की है, ये शिव में है, अंदर से निकली है, जमीन से निकली है ना पंडित जी। और ये वाले हिस्से में क्या कुछ क्रैक आ गया था, जॉइंट करा है, निकालने में आ गया होगा। ये ओंकार सबसे भी पुराना है, कुंड बना है, ये सब मूर्ति निकली है उसी में से। और ये गर्भ, ये जो गर्भ रहे, ये मंदिर है, कितना पुराना हुआ है ये? तो बहुत पुराना है, क्योंकि जो कि 5वीं पीढ़ी में तो हम ही सेवा दे रहे हैं। ये क्या नींबू लगे हुए हैं यहाँ पे? हाँ, ये कुंड बना हुआ है यहाँ पर, दो कुंड बने, पानी फिर कैसे आता होगा कुंड में? नेचुरल आता, अभी पानी ऊपर पहाड़ से भी आ रहा था। हाँ, थोड़ा थोड़ा रिस रहा था पानी। ये भी निकली है। हाँ, ये मूर्ति पहले से जैसे कैसी खड़ी है,
ऐसे ही ऐसी है, यहीं पर ही थी ये मूर्ति। और ये पानी का स्रोत भी चल रहा है झरने जैसा, छोटा 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 यहाँ पर बिल्कुल साफ कांच जैसा पानी रखा है। कुछ कुछ चीजें बनाई है भाभी जी, चीजें स्वतः ही पहले से ही। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर हो सकती है पर बहुत काम की है तो देखते रहिए। ये कुंड बना हुआ है, तखत पे रखी होगी आप ऊपर? हाँ, पानी की साफ सफाई देखते रहते हैं यहाँ पे, नहाने नहीं देते कुंड में। हाँ सही है, शुद्धता बनी रहे जिससे। इसमें फ्रॉग है क्या? हाँ ये कूद रहे हैं ना छोटे 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 छोटे, वो साफ करते रहते हैं पानी का। ये भी बहुत पुराने विग्रह हैं यहाँ पर सारे, ये जो रखे हैं। अच्छा हमारे पूर्वज इसी में पूजा करते आ रहे हैं। ये फ्रॉग है, फ्रॉग ये वाला मंदिर है। चाय प्रभु, ये विष्णु जी का प्रतिमा, ये लक्ष्मी नारायण की है। तो ये भी पुरानी प्रतिमा होगी, इस पे कलर वगैरह करा, पेंट किया, पेंट करा गया, इससे और देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ये गरुड़ जी है, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी है। ये बहुत पुराना विग्रह, ये ऐसी कैसी मूर्ति रखी? हाँ ऐसी रखी थी। तो ये हिस्सा फिर बाद में बना हुआ? ये बाद में थोड़ा सा उस टाइम पेड़ कर दिया। हाँ। अभी थोड़ी जनता ज्यादा होने के कारण ये पेड़ किया गया इसको, क्योंकि थोड़ी मजबूती भी होना है तो पहाड़ के ही नीचे। बिल्कुल ऐसा पहाड़ी, पूरा पत्थर ही पत्थर से सेट है, पत्थर का है। श्री यंत्र में बना हुआ है? हाँ श्री यंत्र के डिजाइन बना है ना पूरा ऐसा, मतलब बना हुआ था बस उसको थोड़ा सा रिपेयरिंग। ये तो रिपेयर तो केवल इतना सा ये किया है और इतना सा ये किया है गेट लगाने के लिए। तो ये पूरा वही पुराना, हां वही दोनों साइड ही है वो पूरा पूरा। ये यहां नेवली नदी का उद्गम स्थल है। अच्छा उद्गम स्थल है, हां नेवली नदी का यहां से मतलब आई है आगे। वो फोन है, फोन की लाइट से दिखा दो आपको पर्स नहीं लाया फोन का। यहां पे अखंड पानी रहता है। अच्छा अखंड बार ये स्रोत रहता है पानी का। हां जेरी फोन ले लो ना, बोले ना जी जय बाबा उनके, क्योंकि भोलेनाथ जी जहाँ होते हैं वही पानी हो जरूर होता है। नहीं पर ये भी उनका बहुत पुराना वाला शिवलिंग है। ये देखिए पानी बिल्कुल अथाह है इसके अंदर, पानी अंदर तक गया हुआ है पूरा पानी, मतलब उसका कोई डीप पता नहीं कितना गहरा है। नहीं नहीं दिखता है तो एक अच्छा गहराई बस आता रहता है यहाँ से, बराबर पानी आता रहता है, कभी खत्म नहीं होता यहाँ का, कभी खत्म नहीं होता। जून में भी आप एक लोटा जल चढ़ा दो यही से लोग जल चढ़ाते विष्णु जी लेटे महाराज जी, ये भी विष्णु जी लक्ष्मी नारायण। यहाँ से पापा नीमच नदी है, यहाँ पे हर अमावस्य को कम से कम 2,000-3,000-4,000 जनता नहाने आती है। नहाने आते होंगे जैसे नर्मदा नहाने जाते हैं, ऐसे हर अमावस्य को। मतलब यहाँ से पानी लेके? नहीं नहीं ये तो केवल भगवान को चढ़ता है तो, और श्रद्धालु घर भी ले जाते हैं। अच्छा घर पे तो बाहर के लिए पानी ले, इस वाले पानी से हाँ, ले जाते कौन से? अच्छा उससे ले जाते होंगे। अच्छा ये सी का पानी वो बाहर है? हाँ ये तो जल तो एक ही है, एक ही से कनेक्टेड है पूरा, कनेक्ट है वो तो पता नहीं कहाँ से। हाँ तो स्रोत इसलिए बना भी हुआ है। हाँ ये नेवली नदी का उद्गम स्थल है, मछली नदी का लगातार कभी कम नहीं हुआ। जय प्रभु, जय नमः शिवाय, नमः शिवाय। इतनी पुरानी प्रतिमा है सारी, बहुत पुरानी। ये विष्णु जी लेटे हुए हैं यहाँ पर, समुद्र मंथन जैसा लग रहा है यहाँ पर। ये वासुकी नाग है, शेष सैया पे लेटे हैं, कॉस्मिक ओशियन में। ये शिव पार्वती, इधर गणेश जी उधर कार्तिक, शिव परिवार बोला, और भगवान विष्णु चतुर्भुज। ये यहाँ तो आपने देखा ही है, विष्णु जी वहाँ देखते हैं सबसे। ये देखिए बाहर की सर, ये देखिए नक्काशी कितनी बहुत पुरानी की, पूरे इसमें काई काई जैसी आ गई। उधर ये बारिश को काई, बारिश के कारण आ जाती है। यहाँ एक लोटा मन्नत भी बहुत जल्दी पूरी, हाँ क्योंकि इतना प्राचीन जगह है तो भगवान की ऐसी कृपा भी है। ये इतना गहरा है? हाँ ये दिख रहा है आपको? हाँ इतना ही यहाँ तक ही है, और ये पानी इतना बना रहता है इसमें पानी। हाँ और आओ के सर, ये क्या है कि कल बारिश के समय और बढ़ जाता होगा। कल परसों तो इसमें शिव जी जलमग्न थे,
अच्छा इसमें तो यहाँ पे तो जैसे पंडित जी जैसे अपना महाकाल वो अपना महाशिवरात्रि वगैरह के समय बहुत भीड़ रहती है, काफ़ी भीड़ रहती है। तो यहाँ सब इसी रास्ते से आते होंगे, तो मेन रोड से आते होंगे यहाँ से, ये इस यहाँ इस स्थान पर आने के लिए चारों तरफ से रास्ते हैं। मेतवाड़ा से भी होके आ सकते हो, सरहदी से भी आ सकते हो आप, पिलवानी से भी आ सकते हो। अच्छा, अलग अलग रास्ते से आ सकते हैं। इधर इधर कुछ व्यवस्था वगैरह भी लगानी पड़ती होगी इतने लोगों को संभालने के लिए, शासकीय व्यवस्था रहती होगी इस समय। महाराज जी ये जीर्णोद्धार हो रहा है तो वो गवर्नमेंट करवा रही है? हाँ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कर रहा है। तो ये अपने वो लोग करवा रहे होंगे, आर्कियोलॉजी वाले करवा रहे हैं? अच्छा अच्छा, वो सेंट्रल वाले पुरातत्व, तो वो यहाँ पे आके पहले जाँच करके गए होंगे सब? वो 2016 से खुदाई चल रही है। अच्छा, लगातार चल रही है, अभी बारिश के लिए बंद है। यहाँ पर मूर्ति है ना उनकी, यहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति भी है, ब्रह्मा जी की। ये वराह अवतार की, ये वराह अवतार की, ये ब्रह्मा जी की मूर्ति है। हाँ, ये वाली कौन है? ये नहीं, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। तो ये 25 लिंग है अलग अलग। हाँ, जैसे 84 महादेव करते हैं ना, ऐसे 25 75 की पूजा हो जाती है, 8-9 और इधर शिवलिंग में, बाकी दूसरे मंदिर में भी। ये है मूर्ति का जो पिलर है जी। हाँ, पिलर है जो ये मूर्ति का पिलर है। तो ये तब से ही ऐसे बिछाया हुआ है? हाँ, पहले से ध्वस्त करने के बाद शायद, मेरे ख्याल से औरंगजेब के समय महाराज ये ध्वस्त किया गया है, पूरा तोड़ दिया और कुछ बचा हो शेष। हाँ, और वो कुछ दब गया होगा अंदर जमीन में, इतने वर्षों तक पानी और मिट्टी और उससे दब गया होगा, वो खुदाई में निकल रहा है वही सब चीजें। और ये भी मेरे ख्याल से पूरा मंदिर का ढांचा होगा, स्ट्रक्चर होगा इसका, अभी शायद होगा आप है ना आगे ऊपर ही। हाँ बिल्कुल, उनके ऊपर ही है। ये बेल हुए लगे हुए हैं इसमें है ना, बेलपत्री का है ना, शंकर जी होते हैं वहाँ कटीले, और वैसे कांटे वाले पेड़ जरूर होते हैं। अब जैसे ये बेलपत्री का है, वो नींबू का है, जबकि बेलपत्री के बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये थोड़ा साइज में कम है पहाड़ की वजह से, क्योंकि उतना घनत्व नीचे नहीं जाता होगा इसका। वो क्या है कि जो अपने समतल जमीन में रहता है, हाँ वो ज्यादा फैलता है। हाँ, कितने नारियल, हाँ ये नारियल पड़े हुए हैं यहाँ पे इतने सारे। महाराज जी पांचवी पीढ़ी बता रहे हैं भाई के। हाँ, 500 वर्ष तो ऐसे ही हो गए देखते। हाँ, क्योंकि रास्ता माता जी पिताजी फिर इधर ही रहते थे। हाँ, गांव है ना सर, गांव में। हाँ, गांव है यहाँ से 3 किलोमीटर बिलपान। मतलब सोचो ये कुंड हमेशा भरा रहता, कभी खाली नहीं, कभी खाली नहीं। तो और ऊपर पहाड़ के इतना ऊपर है, इतना पहाड़ के ऊपर है, इतना प्राचीन मंदिर है, किसी ने सोचा होगा कि इतनी पहाड़ी पे और फिर इतना नीचे और कैसे आपको मिलेगा मंदिर? तो दोस्तों आप जब भी यहाँ पे आते हैं, नहाए वगैरह नहीं, अगर आप, हाँ पानी पीने का स्रोत है तो उसे हमें गंदा नहीं करना, हमारे पानी को एकदम पवित्र रखना, क्योंकि यही पानी हम यूज़ भी कर सकते हैं भोलेनाथ जी के लिए, और ये पानी एकदम पवित्र है, तो इसमें नहाने धोने का काम ना करें बिल्कुल भी। यहाँ पर आएँ तो आप पानी यहाँ पे देख सकते हैं, कुंड वगैरह है, हाँ निकाल सकते हैं आप अलग से। महाराज जी को वो वाली, हाँ ये मतलब शुरू से पापा की खड़ी है ये मूर्ति, ये दर्शाती है जैसे कि शिव पुराण में एक प्रसंग आता है जी, कि जब विष्णु और ब्रह्मा में जब युद्ध हुआ, मैं बड़ा, मैं तेरा पिता और मैं तेरा पिता, दोनों एक से एक लड़ने लगे, तब भगवान शिव ने अग्नि स्तंभ खड़ा किया था। अच्छा, तो दोनों को छोर देखने के लिए ब्रह्मा लगा दिया, विष्णु जी नीचे की ओर गए थे और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए थे, तो वो मूर्ति नीचे विष्णु जी की है, वो ऊपर ब्रह्मा जी की, विष्णु जी। और मिथ्या भाषा बोलने के कारण उनका पांचवा शीश कटा था, वो पांचवा शीश का भी निशान है ऊपर, ऐसे कटा हुआ निशान है। देखिए ये ब्रह्मा जी का हाथ लगा के देखो, ये देखिए कितना पुराना है, बिल्कुल पुराना है, ये ऐसा लग रहा है जैसे काटा गया हो, ये बिल्कुल हाँ। पांचवा सिर काटा हुआ है, ये 1, 2, 3 यहाँ पे चार सिर, और विष्णु जी यहाँ पे नीचे की तरफ वो नीचे जा रहे हैं, और ये पांचवा सिर काटा है, ये पत्थर के साथ पेड़ लगा हुआ है, ये भी अनोखी चीज़ है एकदम। यहाँ पत्थर है और ये पेड़ निकला हुआ है इसके आर पार करके पत्थर को, ऐसा चमत्कार सिर्फ हमारे सनातन में ही हो सकता है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पत्थर है, पत्थर के पार होके पेड़ निकला है, यहाँ नीचे भी वो है पेड़ और ये बीच में पत्थर घुसा हुआ है इसके, यहाँ से धारा चल रही पानी, और ये मंदिर के जो पुराने अवशेष हैं, हाँ ये सारे अवशेष हैं, हाँ ये अवशेष ही अवशेष पड़े हुए हैं, गड़े हुए हैं इधर उधर, ऊपर से नीचे पत्थर तक, ये सब मंदिर के हाँ। ये कुंड क्या है कि यहाँ पे 1955-56 में एक संत आए थे, अच्छा उन्होंने यहाँ पे मतलब यज्ञ करवाया था,
1955-56 में बलराम दास जी महाराज, तो उस समय यज्ञ हुआ था यहाँ पे, तो पानी का स्रोत एक ही था वो, बाद में उन्होंने ये खुदवाया था, तो ये कच्चा था पर फिर पानी यहाँ उतर आया होगा। अभी जी साहब आए थे भगत जी हमारे गांव से, अच्छा ये इनका बानो में आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसी और भी जगह होगी जहाँ उनका स्थापना होगी, वो वहाँ से हटा के रखे गए हैं। हाँ, ये सब मिले हैं ना उसके अवशेष, अवशेष मिले ना वहाँ से निकाल मिले ऊपर, उधर से चले ऊपर। हाँ उधर चलते हैं अपन, जीनेस चलते हैं, कालीन बता रहे हैं। अच्छा परमार, वो जो अपना राजा भोज जो परमार वंश के थे ना, तब का ही है ये, भोज से बहुत पहले का है। हाँ भोज से तो ज़्यादा ही होगा, बहुत पहले का है, क्योंकि भोज राजा भोज का भी समय ज़्यादा पुराना नहीं है। हाँ परमार वंश में से और ढूंढा गया होगा, उदय आदित्य आए थे ना राजा भोज के बाद, तो वो ही उन्हीं का ही समय चल रहा होगा तब, ढूंढते ये सब चीज़ों को। विक्रमादित्य सबसे पहले इस मालवा के राजा रहे। हाँ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य और उनके पिताजी की नगरी है गंधर्वपुरी। अच्छा। गंधर्व सेन राजा की। और चप्पल ले लेते हम लोग, उन्होंने सोचा साफ वाले पत्थर पे चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से ऊपर चढ़ के हम लोग इधर आए। ये सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं, ये देखिए देख रहे हैं। हाँ चेहरे बने हैं। हाँ ये सब खुदाई में निकली हैं, इससे बिल्डिंग निकला है। हाँ शंकर जी पूरा मंदिर का स्थल होगा ये, पूरा मंदिर का ही। तो पंडित जी इसके ऊपर तक मिट्टी या मलबा वगैरह कुछ होगा तभी ये, तभी ऐसा, हाँ तभी ऐसा अंदर निकला है। हाँ हाँ ये है ना ये मूर्तियाँ इधर। हाँ चलो इधर देख लेते हैं अंदर, ये वाला हिस्सा भी अंदर से निकला। माता के नौ रूप है। हाँ माता के नौ रूप है, अरे साफ साफ दिख रहे हैं बिल्कुल एकदम, कितनी अच्छी इसकी वो करी है शिल्पकला। हाँ दोस्तों हमारे सारी आप देख सकते हैं जो चीज़ें हैं टूटी हैं यहाँ पर, ये सब अभी जो हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है वो लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इन सबको वापस से वैसा का वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये भी दबा हुआ था, इसको निकाला गया है, बाकी इतना हिस्सा जितना ऊँचा दिख रहा है ये खुदाई करी गई है यहाँ से। और यहाँ पे देखिए ऊपर का हिस्सा टूटा गया, ऊपर का हिस्सा टूटा गया, वो सेम वैसे का वैसे ही है। हाँ और ये जल जल कुंड में से जल आ रही है, जल आ रही है, वो भी तोड़े गए हैं ऐसा लग रहा है इसके ऊपर से। हाँ ये भी मंदिर था उसका तोड़ कर, नहीं ये सब मंदिर के बाहर का जो रहता है ना हिस्सा, जो अंदर जाते हैं उसके हिस्से का ये हिस्सा है, नहीं तो अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ होता तो बिल्कुल सही सलामत होती। अब पंडित जी आप विश्वास नहीं मानोगे यहाँ ऐसा हाल है, वही आप जब साउथ में जाओगे, मैं आपको अभी कुछ पिक्चर दिखाऊंगा साउथ की, 5,000-10,000 साल पुराने एकदम वैसे के वैसे रखे वहाँ पहुँचे ही नहीं। वहाँ पे क्या है ना ये जितने भी आकांत है वहाँ उनकी उनकी सेना बहुत पावरफुल थी, सुंदर है। ईस्वी में हुई होगी 1000-2000 मतलब, ये पूरा की यहाँ पर था। अच्छा अच्छा हाँ इसकी 10वीं 11वीं नहीं तोड़ा है पूरा, 2000 चल रहा है नहीं ऊपर से गिरा है ना तो वो टूट, हाँ गिरने की वजह से गिरने से गिरा वैसे। हाँ अगर होता नहीं तो कटा बटा होता, काटा होता ये गिरने रखा है वो गिरने के कारण, खुदाई के कारण शायद हो गया उनका शिवलिंग। नहीं नहीं जब ध्वस्त हुआ मंदिर तब पत्थर गिरे हैं इस पे। हाँ ये सारे पत्थर मंदिर के अंदर से निकाले हैं, इसके अंदर से निकाले हुए तोड़ तोड़ के निकाल के अलग कर दिए हैं मंदिर, मतलब हटाए ना। हाँ सब हजारों साल नक्काशी तो अलग, लेकिन ये नक्काशी देखो बारीकी वाली है, देखो कितनी बारीक है, पूरे में बने मूर्तियाँ बनी हैं, देखो मूर्तियाँ बनी है बारीकी, बस कलर नहीं, अगर कलर हो तो एकदम साफ दिख जाएगा। हाँ, क्या है? हाँ, कलर हो जाए तो साफ दिख जाएंगे, नीचे तक की सब दिख जाएंगे। हाँ हमारे गांव पहले खेड़ापति मंदिर यहीं पे है, नीचे हनुमान मंदिर है, पुरानी जूनी बिलपान बोलते हैं हम यहाँ पे, लेकिन जो वो दिख रही थी वो सफेद वाला वो मंदिर तो छोड़ो आप, ये बीच में सफेद सा दिख रहा है छोटा सा, हाँ वहाँ तक मतलब इसके अवशेष मिलते हैं। दोस्तों जैसा कि ये जगह इतनी दुर्लभ है, यहाँ पर आना इतना मुश्किल है, तो आप सोच सकते हैं ऊपर जो धर्मशाला बनी है वो कैसे बनी होगी। तो यहाँ पे बस रोड नहीं है, तो मैं अपनी जो गवर्नमेंट है हमारी MP गवर्नमेंट, उससे मैं
छोटी सी अपील करूँगा अगर उनका कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा हो तो, कि आप लोग अगर थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान दें तो यहाँ पर अगर एक रोड बन जाती है तो यहाँ का रास्ता बहुत सुगम हो सकता है, बहुत आराम से लोग यहाँ तक आ सकते हैं। नहीं तो अभी पत्थर पड़े हुए हैं तो थोड़ा निकलना मुश्किल होता है, पर अगर रोड बन जाएगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे काफ़ी चल रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ सामने की तरफ कटिंग, और नए पत्थरों की कटिंग हो रही है। तो जो नए पत्थर हैं वो वहाँ पर फिट करे जा रहे हैं, यहाँ पर पत्थर नहीं है और वो शेप पूरा करा जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास दो और भैया हैं जो आपको और थोड़ी जानकारी देंगे यहाँ पे, वो यहाँ रेगुलर आते रहते हैं। तो भैया जय श्री राम। जय श्री राम। आप बताइए आप यहाँ कितना रेगुलर आते हैं? मैं तो बचपन से आता रहता हूँ यहाँ पे। अच्छा, पास में रहते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर गाँव है अपना पारदीखेड़ा। अच्छा, देवास जिले का लास्ट पंचायत है पारदीखेड़ा, और हमारे पिताजी भी आते रहते थे यहाँ पर। यहाँ पर अभी जिसाब नहीं है भगत जी, ओंकार सिंह जी यहाँ के ट्रस्ट मंदिर के अध्यक्ष है, उनके मित्र थे हमारे पिताजी, तो वो भी आते रहते थे और हम भी आते रहते हैं। बहुत तो अच्छा है। ये सब दबा हुआ था पहले, अभी खुदाई में निकला हुआ है, प्राचीन मंदिर है। जैसा बताते हैं हमारे पिताजी बताते थे कि ओंकारेश्वर जो स्थान है उससे बड़ा स्थान बताते हैं, बड़े भाई जैसा है आप ओंकार सिंह जी भगत जी, और यहाँ के जो है ये ट्रस्टी यहाँ के अध्यक्ष है, मंदिर समिति वगैरह सब इनके उसमें दिशा निर्देश में चलता है, और ये कम से कम 25-30 सालों से यहीं पर निवास रहते हैं। इन्हें घर वगैरह जो भी है सब त्याग कर दिया और यहाँ पर प्रभु के शरण में ये सेवा करते हैं, और बाकी अब जानकारी इनको इनसे राम मंदिर की नींव इन्होंने रखी है। अच्छा, उन्होंने रखी है। इधर हनुमान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, चलिए देखते हैं। जय बजरंग बली। बजरंग बली बहुत सुंदर मूर्ति है, इधर सुंदर दिख रहा है। ये रास्ता कौन सा रास्ता है इधर? अच्छा, अपन इधर से गए, उधर से भी कुछ जाता होगा रास्ता? ये पैदल जाने वाले लोगों के लिए। अच्छा, पैदल यात्री जो रहते हैं। हाँ। उधर पानी दिख रहा है तो ये पानी इकट्ठा होता है? पानी वहाँ इकट्ठा होता है। अच्छा, तलाई जैसा यहाँ से इतना बड़ा दिख रहा है। ये गाँव का रास्ता भी यही है, पूरा गाँव ये रहा है यहाँ पर। और अगर जैसे कोई यहाँ पे धर्म कार्य के लिए कोई भंडारा वगैरह करवाना चाहे तो वो यहाँ पे आके आपसे संपर्क कर सकता है? तो सबकी व्यवस्था यहीं गांव से हो जाएगी, जैसे अगर खाना वगैरह अनाज वगैरह का जो भी है? हाँ, ये आपको जैसे खाने पीने बनाने का सामान लेके आना पड़ेगा आपको, यहाँ से बर्तन मिल जाएंगे आपको। अच्छा, और भराता है? अच्छा, यहाँ पर मेरा भराता है। और ये पानी की टंकी है यहाँ पर? ये पानी की टंकी बना दी, और मेले का जब शिवरात्रि का मेला लगता है। अच्छा, तब इसके ऊपर स्टेज बना के प्रवचन होते हैं। अच्छा, और नीचे ये पानी की टंकी जो रहती है, और ये पूरा साफ करते हैं उस टाइम क्या? हाँ, ये साफ होता है। इधर मेला लग जाता होगा? हाँ, इधर मेला लग जाता है। बहुत बढ़िया है, पूरा सीधा मैदान बना हुआ है। यहाँ पर भी कुछ रहा होगा पहले? ये पहले स्टेज टंकी नहीं थी, तब इसका वो स्टेज बनाया था। अच्छा, ये स्टेज बनाया, पत्थर वगैरह अंदर डले। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया है। मैं जानता हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, पर सारी जानकारी आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन हमेशा खतरनाक होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय श्री राम।